हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में शॉपनर्स के बारे में बात करेंगे। तो मैंने कुछ इतने शॉपनर्स यूज़ कर लिए जब से मैं यूट्यूब पे आऊँ 2 साल में। ये टोटल 60 शॉपनर्स हैं जो कि अब ख़राब हो चुके हैं, जिनको मैं यूज़ नहीं कर सकता हूँ चारकोल को शार्प करने के लिए। ग्रेफाइट में तो कर सकता हूँ, बट चारकोल में नहीं कर सकता हूँ। अगर चारकोल में करूँगा तो पेंसिल टूट जाती है। ये सभी मैंने चारकोल से शार्प करके ख़राब किया है, जो कि आप देख सकते हैं। इसमें चारकोल पाउडर भी लगा हुआ, मतलब ऑलमोस्ट हर किसी में चारकोल पाउडर आपको दिख जाएगा। अगर मैं इनसे चारकोल पेंसिल शार्प करने की ट्राई करूँ तो ये अच्छे से हो नहीं पाएगा अगर मैं करूँ तो। और इसका ब्लेड भी, आई थिंक इन सब के ब्लेड भी ख़राब हो चुके हैं, जो कि चारकोल से, ऑब्वियसली चारकोल है तो ख़राब हो ही जाते हैं। तो अगर ज़बरदस्ती करूँगा तो चारकोल पेंसिल भी टूट जाती है, तो इसलिए मैं नए नए यूज़ करता हूँ। इसलिए मैंने कम्प्लीट बॉक्स बाय कर रखा है अप्सरा के शॉपनर्स का, जिसके अंदर 20 शार्पनर्स आ जाते हैं और ये 75 रुपीज़ का मिल जाता है। पहले मैं एक एक बाय कर लेता, एक 5 रुपीज़ का मिल जाता है, बट इस तरह से थोड़ा सस्ता पड़ता है, इसलिए मैंने पूरा बॉक्स ही बाय कर लिया, क्योंकि मेरे काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। एक शॉपनर मेरा 3-4 दिन ही चलता है। मैंने और भी ब्रांड के शॉपनर्स ट्राई कर रखे हैं, डर्वेंट के, स्टेडलर के, तो वो भी मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। वो भी इसी तरह के थे। चारकोल की बात कर रहा हूँ, ग्रेफाइट में तो सारे अच्छे चलते हैं, चीप भी काफ़ी अच्छा चलता है, बट चारकोल में मेरे को कोई भी पसंद नहीं आया। सारे शॉपनर ख़राब हो जा रहे थे। काफ़ी लोग बोल रहे थे आप अपनी चारकोल पेंसिल एकदम से बिल्कुल अच्छे शार्प कैसे कर लेते हो, बिल्कुल शार्प पॉइंट कैसे होता है। तो मैं इस तरह से बिल्कुल नया नया शॉपनर्स यूज़ करता हूँ चारकोल के लिए। तो ये पेंसिल है, मान लो बिल्कुल न्यू पेंसिल है, तो इसको अगर बिल्कुल शार्प मुझे करना है तो मैं न्यू शॉपनर का यूज़ कर लेता हूँ। और ये शॉपनर ज़्यादा नहीं चलता है, मैं पहले बता रहा हूँ आपको, इसलिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप इतने शॉपनर बाय करो। मेरे को तो अच्छा लगता है, बिल्कुल शार्प पॉइंट चाहिए मुझे, इसीलिए मैं थोड़ा सेक्रीफाइस कर लेता हूँ और मैं बाय कर लेता हूँ, बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। आप कटर का ही यूज़ करो चारकोल के लिए। न्यू शॉपनर से बिल्कुल स्मूथली शार्प हो जाती है और बिल्कुल शार्प पॉइंट हमको मिलता है। तो इसी तरह से मैं बिल्कुल न्यू शॉपनर का यूज़ करके बिल्कुल शार्प पॉइंट करता हूँ, और जब इससे डिटेलिंग या फिर शेडिंग, हेयर में डिटेलिंग बहुत ज़्यादा अच्छे से हो पाती है। बट एक ही चीज़ ख़राब है कि ये शॉपनर्स बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं चारकोल से, इसीलिए इतने सारे शॉपनर्स मेरे पास इकट्ठे हो गए हैं। बट आई कैन यूज़ देम फॉर ग्रेफाइट पेंसिल, ग्रेफाइट पेंसिल काफ़ी अच्छे शार्प हो जाती है इनसे भी। कटर भी यूज़ कर सकते हैं चारकोल पेंसिल को शार्प करने के लिए। कटर शार्प करने में कुछ इस तरह शार्प होगा, उससे बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, मुझे जल्दी जल्दी ड्राइंग करनी होती है, एकदम से शार्प मुझे पॉइंट चाहिए होता है, तो इसीलिए मैं शॉपनर से बाय कर लेता हूँ। और एक रीज़न और है कि मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ चारकोल पेंसिल का, आपने देखा होगा मेरी ड्राइंग्स में, तो मुझे जल्दी जल्दी ड्राइंग करनी होती है, जल्दी जल्दी शार्प करना होता है इस तरह से, तो इसलिए मैं शॉपनर का यूज़ करता हूँ। सो अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ शॉपनर को ही, और दोनों साइड से ड्रॉ करके देखेंगे, दिखाऊंगा मैं आपको और कुछ बताऊंगा बेसिक सा। वैसे काफ़ी इजी होता है इनकी शेप्स वगैरह, बस थोड़ा बहुत आपको पर्सपेक्टिव की नॉलेज होनी चाहिए, काफ़ी अच्छे से आप स्टिल लाइफ वगैरह ड्रॉ कर सकते हैं। मैं रफली ही ड्रॉ कर रहा हूँ, ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं बनाऊंगा, और थोड़ा बहुत आपको शेप्स का बता दूंगा। यहाँ पर है शेडो, तो ये एक साइड तो ड्रॉ हो चुका है। इसको ड्रॉ करने मुझे आधा घंटा लगा, मैंने थोड़ा बड़ा ड्रॉ किया है और रफली ड्रॉ किया है। अगर बिल्कुल रियलिस्टिक बनाता, ब्लेंड ब्लून करके, तो और भी ज़्यादा टाइम लगता। सो अब मैं दूसरी साइड ड्रॉ कर रहा हूँ, और थोड़ा एंगल भी डिफरेंट है, तो आप एंगल अपने हिसाब से बना सकते हैं, बस आपको पर्सपेक्टिव का यूज़ कर सकते हैं, 1.2 पॉइंट का यूज़ कर सकते हैं। बस एक बॉक्स बनाना है, उसमें थोड़ी डिटेलिंग करनी है, डिटेलिंग कर दोगे तो वो थोड़ा बहुत, मतलब इसमें देखो एक साइड तो कर्व है आगे की साइड, और जो पीछे की साइड है वो सीधा हॉरिजॉन्टली है, तो इस तरह से बस थोड़ा बहुत शेप्स का ध्यान रखना पड़ता है। काफ़ी इजी होता है, बस आपने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करोगे आप डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे बॉक्सेस को ड्रॉ करने की, काफ़ी अच्छे से ड्रॉ कर पाओगे। अगर 1 पॉइंट से बनाते आप इस तरह से, तो इस तरह का कुछ बनता। और अब मैं डिटेलिंग नहीं करके दिखा रहा हूँ, बस आपको सिंपल बॉक्स बना दूंगा और हल्का फुल्का सा लाइंस वगैरह बना दूंगा। इसी तरह से बस सिंपली पहले स्ट्रक्चर बनाना होता है, पर्सपेक्टिव के हिसाब से बनाना पड़ेगा अगर इस तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं तो, पर्सपेक्टिव के हिसाब से, और उसके बाद उसका शेप देखो किस तरह का है, उसमें क्या डिटेलिंग है, और बस डिटेलिंग कर दो तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट काफ़ी अच्छे से आप ड्रॉ कर पाओगे बिल्कुल एक्यूरेट। जैसे कि इस वाले में यहाँ पे सिलेंडर था, तो यहाँ पे सिलेंडर ड्रॉ करना पड़ेगा इस तरह से, तो ये चीज़ हमको देखनी पड़ेगी कि उसमें कौन कौन से शेप हैं। यहाँ पे देखो इस तरह का सिलेंडर था, तो सिलेंडर ड्रॉ किया, और वो उसके एंगल पे डिपेंड करता है कि आप किस एंगल से देख रहे हो उसको। इस तरह का सिलेंडर भी जैसे मैंने अभी बनाया, इस तरह का भी बन सकता है अगर थोड़ा बहुत हम शॉर्पनर का एंगल बदल देंगे तो।
पता नहीं आपको समझ में आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा, मैं पर्टिकुलर इस पे वीडियो बनाऊंगा स्टिल लाइफ वगैरह। कमेंट कर बताना बतानी बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही, यही कुछ शॉपनर्स हैं जो कि मैं यूज़ करता हूँ और जो कि मैंने यूज़ करे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।